फिल्म के स्टार्टिंग में निक को दिखाते हैं जो गोल्ड के कुछ पार्ट्स को दफनाता रहता है और उसके ऊपर वो संतरे का पेड़ भी लगा देता है। तो उसके पास वो गोल्ड कहाँ से आया और वो उसे क्यों दफना रहा था वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद निक अपनी वाइफ जूलिया के पास जाता है और वहाँ पर वो काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। तो जूलिया निक से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और निक भी जूलिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और वहीं पर उसे रियलाइज़ होता है कि उन्हें खुश रहने के लिए किसी गोल्ड की ज़रूरत नहीं है। तो निक बोस्टन पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था और अगली सुबह वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है। वहाँ पर वो अपने पार्टनर बॉबी से मिलता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि जिस सोने को निक दफना रहा था उस सोने को निक और बॉबी ने एक रेड में जब्त किया था, लेकिन उन्होंने वो एविडेंस में ना जमा करके बल्कि अपने पास रख लिया था। तो निक को ये सब गलत लग रहा था, इसलिए वो बॉबी से उस सोने को एविडेंस में जमा करने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी इसके लिए मना भी। अब इसके बाद वो गार्जा पर रेड गिनने के लिए जाते हैं जो एक ड्रग डीलर था। तो कार में बॉबी निक को अपने ब्रेसलेट के बारे में भी बताता है जो उसकी रक्षा करता है। इसके बाद वो गार्जा के अड्डे पर भी पहुंच जाते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहां पर उनको गार्जा के आदमी मिलते हैं और वहां पर पुलिस और गार्जा के आदमी के बीच लड़ाई भी होती है। लेकिन बॉबी मौके का फ़ायदा उठाकर निक में गोली मार देता है। तो वो निक में गोली इसलिए मारता है क्योंकि निक गोल्ड को एविडेंस में जमा करवाने वाला था, लेकिन बॉबी को उस गोल्ड की ज़रूरत थी और वो इसी वजह से निक को मार देता है ताकि वो गोल्ड को अपने पास रख सके। तो वहां पर निक की डेथ हो जाती है और थोड़ी देर बाद निक की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि वहां पर सब कुछ रुक सा जाता है, वो बिल्डिंग से बाहर जाता है, वहां पर भी सब कुछ रुका हुआ था। तभी वो आसमान की तरफ देखता है, आसमान में एक होल रहता है और निक उस होल की तरफ जाने लगता है। उस होल में उसके जैसे और भी जा रहे थे, वो बिल्कुल टनल की तरह दिखता था। तो वहां पर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो मर गया है, वो उस टनल से मरने की बाद की दुनिया में जा रहे जिसको हम आफ्टर लाइफ के नाम से जान। अब इसके बाद निक अचानक से एक रूम में पहुंच जाता है, उसके सामने एक लड़की रहती है जो एक प्रॉक्टर रहती है। तो वो RIPD में था जिसका मतलब था रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। तो निक को वहाँ पर पता चलता है कि वो मर गया है और प्रॉक्टर RIPD की चीफ रहती है। तो निक पहले पुलिस में था इसलिए RIPD वालों को उसकी पुलिस स्किल्स की ज़रूरत थी और वो उसे RIPD ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि RIPD काम क्या करते हैं, तो RIPD डेडोज को पकड़ते हैं। डेडोज बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह रहते हैं, तो आफ्टर लाइफ की तरफ से जिन आत्माओं को ठुकरा दिया जाता है उनको हम डेडोज के नाम से जानते हैं। तो वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बनकर पृथ्वी पर रहते हैं और RIPD वाले पृथ्वी पर जाकर उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। तो निक RIPD ज्वाइन करने के लिए मान भी और प्रॉक्टर निक पर RIPD का लोगो भी लगाती है। तो उस डिपार्टमेंट में निक जैसे और भी कई सारे लोग थे और RIPD जैसी और भी पुलिस चौकी थी जो डेडोस को पकड़ती हैं। इतने ही वहाँ पर एक डेडोस भागने लगता है जो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह ही दिखता था, लेकिन इतने ही वहाँ पर ड्रॉय नाम का एक ऑफिसर आता है और डेडोस को मार देता है। वहीं पर निक को पता चलता है कि वो रॉय का पार्टनर है, तो वो रॉय से मिलता है और वहाँ पर उससे वो बातें भी करता है। उसके बाद रॉय निक को एक डिवाइस की मदद से पृथ्वी पर ले जाता है और निक वहाँ पर अपने ही फ्यूनरल को देखता है। फ्यूनरल ख़त्म होते ही निक अपनी वाइफ जूलिया के पास जाता है, लेकिन जूलिया उसे वहाँ पर पहचान नहीं पाती है। जूलिया ही नहीं बल्कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। और वहीं पर निक को पता चलता है कि जिंदा लोगों की नज़र में वो पहले जैसा ना तो दिखता था और ना ही उसकी आवाज़ वैसी थी। तो उसका अवतार पूरी तरह से बदल गया था जिंदा लोगों के सामने। तभी रोहे निक को उसकी ID देता है। वहाँ पर निक को पता चलता है कि वो एक बूढ़े चाइनीज़ आदमी की तरह दिखता था जिसका नाम चैन था और रोहे एक हॉट लेडी की तरह दिखता था। तो वहीं पर रॉय निक को एक डेडोज को पकड़ने के लिए ले जाता है और वो एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर उनको वो डेडोज मिलता। तो वहां पर रॉय निक को डेडोज के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उनमें से अजीब सी गंध आती है जिससे हमें पता चलता है कि वो डेडोज हैं या नहीं। तो वहीं पर रॉय निक को कुछ एमओ भी देता है जिससे डेडोज को मारा जाता है, लेकिन गोली उनके सर पर ही लगनी चाहिए। तो वो डेडोज के पास पहुंच भी जाते हैं, वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखता था जिसका नाम स्टैनली था। तो वहां पर निक और रॉय उससे कुछ सवाल भी पूछते हैं ताकि वो उसे देख सकें कि वो डेडोज है या नहीं। तो वो सवालों के जवाब तो ठीक देता है, लेकिन वहीं पर रॉय उसे इंडियन फूड से आता है क्योंकि उसे इंडियन फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद था और वो अपने असली रूप में आ जाता है। और निक और रॉय को पता चल जाता है कि वो डेडोज है, लेकिन वो डेडोज वहाँ से भागने लगता है, वो बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ था। और निक और रॉय भी बिल्डिंग से कूदते हैं लेकिन उनको भी कुछ भी नहीं होता है। तभी रॉय वहाँ पर उस डेडोज के सर में गोली मारता है और उसकी डेथ हो जाती है।
लेकिन उसके अंदर से वही गोल्ड निकलता है जिस गोल्ड को स्टार्टिंग में निक दफना रहा था और जिसकी वजह से बॉबी ने निक को मार दिया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उन डेडोस के पास वो गोल्ड क्यों आया और उन्हें उस गोल्ड की क्या ज़रूरत थी। तो इस सवाल का जवाब हमको फिल्म में आगे पता चले। तो इसके बाद वो RIP डिपार्टमेंट पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर प्रॉक्टर रॉय से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उनको डेडोस को जिंदा लाना था लेकिन उन्होंने तो उसको मार दिया था। तो उसके बाद वो दोनों उस गोल्ड को एविडेंस रूम में जमा कर देते हैं जो गोल्ड उनको डेडोस से मिला था। तो वहीं पर निक जानना चाहता था कि वो गोल्ड उस डेडोस के पास क्यों आया क्योंकि उसे लगता है कि इसमें बॉबी का भी हाथ है। तो वो रॉय से हेल्प मांगता है इसके बारे में जानने के लिए और रॉय उसकी हेल्प करने के लिए मान भी जाता है। तो वो उसे पृथ्वी पर लेकर जाता है। तो वहाँ पर वो उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम एलियट रहता है। वो आदमी भी मरा हुआ था। तो वहाँ पर निक एलियट से गोल्ड के बारे में पूछता है लेकिन एलियट उसे गोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो निक यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो एलियट को अपना गोल्ड दे देता है और रिक और रॉय वहाँ से बाहर आ जाते हैं कार में बैठकर और वो एलियट का इंतज़ार करते हैं ताकि वो एलियट का पीछा कर सकें। तो एलियट वहाँ से बाहर भी आता है। तभी वो देखते हैं कि निक ने एलियट को जो गोल्ड दिया था वो उस गोल्ड को निक के पार्टनर बॉबी को दे देता है। तो उनको पता चल जाता है कि इन सब में बॉबी का ही हाथ है। अब इसके बाद वो बॉबी का पीछा करते हैं और बॉबी निक के घर पर चले जाता है। तो वहाँ पर रॉय को ये भी लगता है कि बॉबी का निक की वाइफ यानी जूलिया के साथ कोई अफेयर चल रहा है। तो वहीं पर निक और रॉय बॉबी पर नज़र भी रखते हैं। वहीं पर बॉबी जूलिया की मदद से उस गोल्ड को निकाल लेता है जिसको निक ने दफनाया था। और वहीं पर जूलिया जैसे उस गोल्ड को देखती है उसे लगने लगता है कि निक कोई चोर था और इससे निक को काफ़ी बुरा भी लगता है। अब इसके बाद वो फिर से बॉबी का पीछा करते हैं। वहीं पर एक लड़का रॉय के पास आता है और उसे प्रपोज करता है क्योंकि वो रियल लाइफ में एक लड़की की तरह दिखता था। तो वहाँ पर रॉय उसे भगा देता है और यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है। अब इतने ही बॉबी के पास एक आदमी आता है जो कि बिल्कुल डेडोस की तरह ही दिखता था और जिस गोल्ड को बॉबी ने निक के घर से लिया और वो उस गोल्ड को उस डेडोस को दे देता है। इसके बाद निक और रॉय उस डेडोस का पीछा करते हैं और वो उसे एक फ्रीजर में पकड़ लेते हैं लेकिन वहाँ पर वो डेडोस मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों उसका पीछा भी करते हैं और शहर में काफ़ी तोड़फोड़ भी होती है लेकिन वो डेडोस भाग जाता है गोल्ड को अपने साथ लेकर। अब इसके बाद वो दोनों RIP डिपार्टमेंट पे जाते हैं। वहाँ पर प्रॉक्टर उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से एक डेडोस को जाने दिया था और सभी न्यूज़ पर उस डेडोस की ही बातें हो रही थी। अब इसके बाद प्रॉक्टर के पास एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि वो गोल्ड पार्ट्स कोई मामूली नहीं थे बल्कि वो एक एंशियंट वीपन था जिसका नाम जेरिको था। तो मैं आपको फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ। तो फिल्म की स्टार्टिंग में जब निक की डेथ हो गई थी तो वो एक टनल की मदद से दूसरी दुनिया में गया था मरने के बाद की दुनिया में RIPD में, लेकिन जेरिको की मदद से वो टनल रिवर्स में बदल जाएगा। तो पहले तो अर्थ पर जितनी भी आत्माएं रहती हैं वो टनल की मदद से दूसरी दुनिया में जाती हैं लेकिन टनल रिवर्स होने के बाद दूसरी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी पृथ्वी पर आ जाएंगी जिससे पृथ्वी पर तबाही मच जाएगी। और इसी वजह से बॉबी को वो गोल्ड पार्ट्स चाहिए थे ताकि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सके और पूरी दुनिया पर आत्माओं को ला सके। तो वहीं पर उसके पास एक और मैसेज आता है जिसमें रॉय और निक को डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है और पनिशमेंट के तौर पर निक को कल इरेज कर दिया जाएगा। अब निक के पास एक ही दिन था। तो वहाँ पर निक और रॉय के बीच आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं और निक वहाँ से धरती पर चले जाता है। वो जूलिया के पास जाता है और जूलिया को बताने की कोशिश करता है कि वो निक, लेकिन जूलिया उसे अब भी नहीं पहचान पाती और वहाँ से चले जाती है। इतनी वहाँ पर रॉय भी आ जाता है और निक रॉय से हेल्प मांगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि बॉबी उन डेडोस की हेल्प क्यों कर रहा था और रॉय निक की हेल्प करने के लिए मान भी जाता है। इसके बाद बॉबी को दिखाते हैं जो एक डेडोस के पास रहता है और वो उसे एक डिवाइस देता है। तो वो सोने को इकट्ठा करने का एक प्लान बना रहे थे और वो डिवाइस क्या काम आती वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब फिल्म में सुबह हो जाती है तो जूलिया बॉबी के पास कॉल करती है और वो उसे रात के बारे में बताती है जब उसके पास आदमी आया था और जो अपने आप को निक बता रहा था। इतने ही उसके घर पर निक और रॉय भी आ जाते हैं और बॉबी उसी डिवाइस के दूसरे पार्ट को रख लेता है जिस डिवाइस के एक पार्ट को उसने डेडोस को दिया था। तो वो डिवाइस क्या काम करती है वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो निक और रॉय को पता चल गया था कि बॉबी एक डेडोस है लेकिन उस पर से गंध नहीं आ रही थी। वो गंध उस पर से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो उसने ब्रेसलेट पहन रखा था वो उसकी गंध को रोक रही थी। तो जैसे निक और रॉय उसके हाथ से ब्रेसलेट को उतारते हैं उसमें से इतनी बुरी तेज़ गंध निकलती है कि वो पूरे घर को तोड़ देती है। तो वो दोनों
बॉबी को कार में बैठाकर आरआईपी डिपार्टमेंट में ले जाते हैं और उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं और वहाँ पर और भी डेडोस भी रहते हैं। तो अब आरआईपी डिपार्टमेंट में सोने के पूरे पार्ट्स थे जिससे जेरी को वीपन बन सकता था। तो वो निक का प्लान था आरआईपी डिपार्टमेंट में आने का, ताकि वो सारे सोने को अपने साथ ले जा सके। तो जिस डिवाइस को उसने डेडोस को दिया था और जिस डिवाइस के एक पार्ट को उसने अपने पास रखा था, वो भी अब आरआईपी डिपार्टमेंट थी और वहाँ पर वो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है और वहाँ पर टाइम पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन इससे डेडोस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है, और लेकिन वहाँ पर जितने भी ऑफिसर रहते हैं वो सभी रुक जाते हैं और वो सभी डेडोस उस डिपार्टमेंट में जितना भी सोना रहता है उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो निक और रॉय भी कुछ ऑफिसर्स के साथ उनका पीछा करके पृथ्वी पर जाते हैं और इसके बाद उन डेडोस को दिखाते हैं। तो उनके पास अब गोल्ड के सारे पार्ट्स थे और वो उनको जोड़ भी देते हैं जिससे वो जेरी को हथियार बना सकें और टाइम को रिवर्स कर सकें। अब इसके बाद वहाँ पर निक और रॉय भी आ जाते हैं और वो सभी डेडोस से लड़ते भी हैं और वहाँ पर वो सभी डैड उसको मारने भी लगते हैं। अब इसके बाद बॉबी को दिखाते हैं जो जूलिया को अपने साथ ले आता है, क्योंकि उसे हथियार को चालू करने के लिए ह्यूमन की एक कुर्बानी भी देनी थी। तो उनका वीपन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और वो जूलिया की कुर्बानी देने वाले थे। इतने वहाँ पर निक आ जाता है बॉबी को मारने के लिए, लेकिन इतने ही बॉबी स्पेयर को जूलिया में मार देता है और उससे जूलिया घायल भी हो जाती है। तो इसके बाद निक तो बॉबी से लड़ता है और वहाँ पर रॉय उस हथियार को रोकने की कोशिश करता है, तो निक बॉबी को मार देता है और वहीं पर रॉय कार की मदद से उस वीपन को भी तोड़ देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जूलिया की वहाँ पर डेथ हो जाती है और बिल्कुल पहले की तरह वहाँ पर टाइम रुक जाता है और जूलिया अब निक को पहले की तरह असली रूप में देख पा रही थी, क्योंकि अब वो भी उसी की तरह बन गई थी। लेकिन वहाँ पर निक जूलिया से कहता है कि तुम्हें वापस जाना होगा और असली दुनिया में जीना होगा। तो प्रॉक्टर निक की हेल्प करती है, वो जूलिया को वापस से पहली दुनिया में ही भेज देती है और वहीं पर प्रॉक्टर रॉय से कहती है कि तुमको 53 साल तक इसी टीम में रहना होगा। और वहीं पर अवार्ड के तौर पर रॉय निक को एक और आईडी देता है। तो वो बूढ़ा आदमी नहीं था बल्कि उसे दूसरा अवतार दिया जाता और अब वो रियल लाइफ में एक लड़की की तरह दिखता था। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।